एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज है मंगलवार और दोपहर के अभी 2 बजने वाले हैं। मैं जो हूँ अभी लैपटॉप जो है वो क्लीन कर रही हूँ। जहाँ पे आप काम करते हो, मेरी मम्मी का मानना ये है कि जिस चीज़ पे आप काम करते हो वो चीज़ जो है वो क्लीन होनी चाहिए। जो लैपटॉप है, दिवाली के दिन भी हमने इसको पूजा था। और ये राउटर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एक यूट्यूबर के लिए, बहुत ही ज़्यादा। और लैपटॉप को जो है वो मैं इस टेबल पे रखती हूँ, ये बच्चों का टेबल है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ नीचे। और वहाँ पे मतलब अपना एडिटिंग वगैरह यहाँ पे ही करती हूँ, क्योंकि मेरे जो लैपटॉप है उसकी जो बैटरी है वो ख़राब हो चुकी है। तो मैं ना कैमरे को नीचे करती हूँ। तो मेरे कैमरा बोलती हूँ, लैपटॉप की जो बैटरी है वो ख़राब हो चुकी है। फैन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैंने कल का वीडियो चेक किया बाद में, तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अगर मैं वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी दे रही हूँ तो उसमें नॉइज़ नहीं आना चाहिए। बट ये नॉइज़ का इशू होता ही है, क्या कर सकते हैं। और कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है कल से, पता नहीं क्यों, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। दोपहर के अभी 3:15 बज चुके हैं और मैंने इतने सारे कपड़े धोए, मुझे लगता है मैंने 3 या 4 बकेट कपड़े धोए होंगे, और वो भी हाथ से धोए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थकावट आ चुकी है। क्या हो गया था, आप लोग सब सोच रहे होंगे कि 3-4 बकेट इतने कपड़े कैसे, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे कपड़े नहीं धोए थे। और मैं सोची थी वॉशिंग मशीन में डालूँ, बट वॉशिंग मशीन में क्या हो रहा है कि सोमेश्वरी गणेश्वरी के इतनी वेयर जो है वो थोड़े से ख़राब हो रहे हैं दोनों। ओके, सो ऐसे रखती हूँ। इतनी वेयर जो होते हैं जब आप वॉशिंग मशीन में डालते हो, इतने अच्छी तरीके से क्लीन भी नहीं होते हैं। अच्छी तरीके से क्लीन भी नहीं होते और थोड़ा सा ख़राब भी हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा अपने हाथों से धो लूँ कपड़े। और बाकी के रेगुलर कपड़े भी जो थे वो भी मैंने धोए थे, इस वजह से इतने और सारे कपड़े जो है मैंने ऊपर डाले हैं, इतने सारे कपड़े। अभी शाम को मुझे लगता है आधा घंटा तो लग जाएगा कपड़ों के फोल्डिंग करते करते। और अभी मैं ऐसे लगा के सोने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थकावट भी बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए कितना, मतलब अभी क्यों यहाँ पे खिलौने ला रहे हैं, सर्वशिलाशी खिलौने बच्चे टिकट ठंडे खिलौने चढ़ तो झुक से ए सी लगा कर। और ए सी का क्या हो गया है ना, मतलब हमारा एक बटन जो है वो ऊपर है, आप सभी को पता है। हमेशा जो है किसी लकड़ी की काठी या किसी चीज़ से मुझे वो लगवाना पड़ता है। जैसे ये गर्म होता है, गर्म होता है ये। गुड गर्ल, चल झोपून जा। बुक्स वगैरह है काय काय ठेवलं बेडवर, हा
तू करती नको करते क्योंकि किसी को भी फोन लगाती है दो मिनट आ रहे क्योंकि नितेश अभी तक नहीं आए खाना खाने के लिए शॉप में भीड़ है मैं उनको फोन कर रही हूँ ये नंबर है पापा का हेलो क्या हो गया शिटिया दो मिनट बच्चा हेलो आओ कधी येत आहे जेवायला काय कस्टमर आहे मामी झोपतो मग तुम्ही खाऊन घ्या ठीक आहे दारू गणेशीशी बोला हॅलो काय जेवली काय खाली ज्यूस भात वरण खाला सांगती मांडी घाल मांडी घाल झोपाली का पप्पा विचारताय आम्ही ते ड्रेस वर मजा गेली कशी पल्ली पल्ली कशी टेरेस वर अशी पल्ली आहे ठीक आहे ठेवा आता बाय कर बाय ठेव बंद बाज बच्चा रेड रेड लेबीस होते है ना उनको बोलो गुड नाइट दोपहर है फिर भी हम गुड नाइट बोल बज चुके हैं नितेश मतलब चाय बना के गए सो मैं चाय पीने वाली हूँ और शॉप में भी जाने वाली है क्योंकि मार्केट में जाना है कुछ सब्जियाँ लेने के लिए तो मैं नहीं जाऊँगी मैं शॉप में बैठूँगी और बच्चों के साथ नितेश को मैं सेंड करने वाली हूँ क्योंकि मुझे आज भी मतलब वीकनेस लग रहा है और जब मार्केट में जाते हो तो आपको ढेर सारी सब्जियों का बहुत चेबल लेके आना पड़ता है सो इस वजह से मैंने नितेश को कहा कि आप लाइएगा और चाय अभी हम पियेंगे स्वामी श्री को भी पीनी स्वामी श्री यहाँ पे सोई हुई है यहाँ पे ओके तो मैं चाय पीती हूँ और जो स्वामी श्री गणेश जी की ड्रेस है वो दिखाती हूँ बहुत ही क्यूट से है और बहुत अच्छे हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिले हैं और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कहाँ से परचेस किया है ताकि आपको भी हेल्प हो जाए वो अच्छे ड्रेस लेने में स्वामी श्री अभी तो मतलब यहाँ पे उठ चुकी है गणेश जी को मतलब उठाना है तो मैं इस वजह से धीरे से बात कर रही हूँ क्योंकि चाय पीना है मुझे शूट करना है ड्रेस का और फिर उसके बाद गणेश जी को मैं उठाऊँगी उसको सबसे पहले देनी होगी दूध उसको देना होगा दूध क्योंकि अब सभी को पता है गणेश जी को दूध कितना पसंद है तो चलिए चलते हैं दूध पी सॉरी चाय पीते हैं
क्या कर लेगा ये कब कर ली जा मेहंदी दिखा निकल गई जा रही है अभी नहीं जा रही है अभी समझ के मेहंदी हम फिर से निकालेंगे हाँ ओके चलो चाय पीना करेश्री को मैंने लाया अंदर से बाहर वो उठ चुकी है मुझे पता ही था थोड़ा सा भी आवाज़ अगर आ जाता है ना तो गणेश उठ जाती है चलो चाय पी लो ठंडी हो जाएगी दिखा एक्चुअली जब मेहंदी क्या क्या होता है कि वो बीच बाद में मतलब निकल जाती है तो वो बहुत अजीब सी लगती है दिखाओ तो दिखाओ कैसे निकल गए ऐसे ऐसे मतलब स्किन जो है वो ड्राई पड़ने लगती है बंद करके ओके तो अभी हम ड्रेस दिखाने वाले हैं हम सभी स्वामी श्री गणेश जी आ चुके हैं यहाँ पे और ये एक वन पीस लिया है स्वामी श्री गणेश जी के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और जैसे कि प्योर सिल्क की जो दो मिनट बच्चा मैं दिखा रही हूँ जैसे कि प्योर सिल्क की जो साड़ी होती है उसी काइंड ऑफ में और यहाँ पे पूरा वर्क है यहाँ पे और बहुत ही सुपीरियर वर्क है और ये वन पीस है और पीछे से भी जैसे कि देख सकते हैं और इसकी शोल्डर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी है मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और यहाँ से जीप है जो पहनने के लिए इजी हो जाएगा सो दोनों के लिए सेम ही लिया है इसके साथ मुझे मिला है ये दुपट्टा जो कि स्वामी श्री और गणेश जी के लिए बहुत ही परफेक्ट है ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं दिखा दुपट्टा अभी ये देखिए ओके और अच्छा हुआ मतलब इनके इस तरह का दुपट्टा मिला नहीं तो हमेशा गणेश जी स्वामी जी मेरे दुपट्टा लेके घूमती रहती है और इसके साथ और एक पैंट मिली है और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबल मतलब ये इलास्टिक है यहाँ पे नाड़ा वगैरह कुछ नहीं है और सेम वैसा ही गणेश जी के लिए है सो वो तो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो सेम ही है क्योंकि मैंने आप एक किसी भी व्लॉग में मतलब मैं दिखाऊंगी और मैंने कहाँ से परचेज़ किया है तो जल्दी से देखिएगा मैंने कहाँ से परचेज़ किया है तो हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं सबसे पहले आपको जाना है कैश करो के वेबसाइट पे जो जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और उसके बाद जाना है आपको माय अर्निंग्स पे जहाँ पे आपको मिलेगा 50 रुपीज़ का कैशबैक और ये जो कैशबैक है वो तभी मिलेगा जब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई लिंक से अगर आप साइनअप करोगे तभी मिलेगा दूसरी वेबसाइट के दूसरी जगह से अगर आप साइनअप करोगे तब आपको नहीं मिलेगा नेक्स्ट प्रोसीजर है माय विशाल पे सर्चिंग करना है क्योंकि यहाँ से ही मैंने अपने बच्चों की जो है वो शॉपिंग की है और यहाँ पे जैसे कि ऑरेंज कलर का एक्टिवेट कैशबैक है वहाँ पे आपको एक्टिवेट करना जैसे कि कैशबैक एक्टिवेट हो चुका है आपका नेक्स्ट प्रोसीजर चालू है और उसके बाद माय विशाल पे आ गए आप और यहाँ पे मैं किड सेक्शन में जाऊँगी जहाँ पे मैंने बच्चों की ड्रेसेस ली है मैंने जो ड्रेस लिया है वो यहाँ पे मुझे मतलब मैं नहीं दिखाया है तो मैं बाकी के ड्रेसेस का दिखा रही हूँ देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे ड्रेसेस है बहुत ही अफोर्डेबल है तो एक सिलेक्ट कर लेते हैं एक ड्रेस कौन सा भी तो इसकी बाबा सूट की जो प्राइस है वो है 359 उसको अभी जो है वो मैं ऐड टू कार्ट में कर दूँगी उसके बाद आपको जाना है मायर नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं आपको 140 रुपीज़ का कैशबैक जो है वो मिल चुका है बट अभी तक पेंडिंग है 45 to 60 days के बाद ये कंफर्म हो जाएगा और 250 रुपीज़ के अगर ऊपर हो जाएगा तो आप इसको बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हो ओके सो मैंने जो शॉपिंग की जैसे कि आपने देखी होगी ये क्लिप्स कि मैंने सबसे पहले कैश करो की वेबसाइट के थ्रू पे गई और अपने एक अकाउंट खोला उस पर मुझे 50 रुपीज़ प्लस बोनस मिला वो तब भी मिलेगा मैं फिर से कहती हूँ 50 रुपीज़ बोनस जब आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गए हैं लिंक से साइनअप करोगे तब भी आपको 50 रुपीज़ का बोनस जो है वो मिल जाएगा और उसके बाद मैंने माय विशाल के वेबसाइट पर बच्चों के लिए जो शॉपिंग की बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे वहाँ पर बट ये जो वाला ड्रेस है तो
उसकी लिंक मुझे नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दूसरा ड्रेस दिखाया एक बच्चों को, मतलब एक एग्जाम्पल. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी वेबसाइट के थ्रू जाओ, बट मुझे ये माया विशाल की वेबसाइट बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें बहुत सारे अफोर्डेबल ड्रेसेस थे. और आप जैसे कि कैशकर की वेबसाइट के थ्रू अगर जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है. आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा इस वेबसाइट को. और मैं इस ड्रेस को मुझे लगता है 4-5 दिन के बाद पहनाऊँगी बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत स्पेशल दिन आने वाला है. मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करने वाली कि मैं कब पहनाऊँगी. और सोमेश्वर गणेश बहुत एक्साइटेड है उस दिन के लिए ये ड्रेस पहनने के लिए. और मुझे तो मैंने एक ऐसी साड़ी भी देखी थी, जैसे कि आप इस ड्रेस को देख रहे हैं, ये जो ड्रेस है मतलब एकदम मेरे पास जो पैठनी है आपने अगर देखी होगी उसी तरह का इसका कलर है, धूप छाव कलर बोल सकते हैं. तो स्वामीशी गणेश मुझे बोल रही थी कि मम्मी हमें ड्रेस पहनाओ ड्रेस पहनाओ. मैं बोल रही थी कि नहीं, वीडियो में दिखाने बच्चा, क्योंकि अगर मैं इनको आज पहनाऊंगी ना तो सब कुछ ख़राब कर देगी. और मुझे उस स्पेशल डे के लिए, मतलब स्वामीशी गणेश के लिए, मैंने ये ड्रेस जो है वो रखा, मतलब ऑर्डर किया था. और बाकी के भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट और ड्रेसेस है माया विशाल की वेबसाइट के थ्रू. तो आप, मैं फिर से कहती हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, तो आप चेकआउट कीजिएगा. तो चलिए अभी हम जाते हैं नीचे, क्योंकि नितेश को जो है मार्केट में जाना है. तो चलो स्वामी, अब इतना खुश हो जाएगा ना स्वामी श्री गणेश, अभी नीचे जाना है तो मैं ड्रेस को फोल्ड करके रखूँगी और उस दिन के लिए पहनाऊँगी जिस दिन के लिए मैंने इसे लिया. और मैं बहुत हैप्पी हूँ, थैंक यू कैश करो कि जिससे मतलब मुझे बहुत सारा बोनस मिल चुका है. पहले +50 रुपीज़ का भी बोनस मिला और उसके बाद 140 रुपीज़ का भी बोनस मिला. सो चलिए अभी चलते हैं. और हमें फिर से कहूँगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे होता है, बहुत सारी लेडीज़ मुझे पूछती है. जो वीडियो होता है उसके नीचे राइट पे, जब आप वीडियो देखते हो तो उसके राइट पे एक एरो होता है, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है और वहीं पे मैं नीचे लिंक दे दूँगी. तो चलिए अभी स्वामी श्री गणेश आना है पापा के पास. हाँ एक्चुअली उनको नींद भी आ रही है. लैपटॉप को ठोई तो ठोके इकडे ठेव. लैपटॉप इथे ठेवले सर, लाइट इथे इन्व्हर्टर आहे. तिथे नाही आहे. तिथे नाही आहे. तो मैं अभी शॉप में आई हूँ. और क्या होता है कि परसों लाइट चली गई थी और मेरा जस्ट वीडियो जो है पब्लिश हो चुका था, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी. क्या हाल है, कितने बार आप करते थे एड मेहंदी. तो मैं यहाँ पर रख दिया अभी लैपटॉप. गणेश भी छुट्टी ले रही है ना. थैंक यू बेटा. कितने शांति स्वामी श्री अंतेश यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बस अभी वो जाएंगे मार्केट में सब्जी लाने के लिए. आणि ऐकायला काय काय कमेंट्स आला काय काय की एकदम आले, एक जण नाही खूप जण यायच्या की म्हणे झीना तमा नाही कर, तिची तशीच हेअरस्टाईल होती ना झीना तमा. सो मुझे किसी ने कहा कि आपकी जो हेअरस्टाईल है वो झीना तमान की तरह है. ऐसे एक नहीं
तीन या चार कमेंट्स आए. पहले मुझे नहीं लग रहा था, मैं बोल रही थी जीना तमान कहाँ पे और मैं कहाँ पे, क्योंकि वो कितनी खूबसूरत थी. बट मैंने जब देखा, मतलब याद किया जो उनकी पुरानी हेयर स्टाइल जो थी वो कुछ इस तरह की, वो मतलब आगे के बाल ऐसे ही छोटे करती थी ना. और सो बहुत ही मतलब डेली कुछ ना कुछ रिएक्शन आ रहे हैं मेरे हेयर स्टाइल पे, पता नहीं अभी. और ये रिएक्शन पता नहीं कब तक ख़त्म हो गए, मुझे भी नहीं पता. और बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे ये भी कहा है कि 15 दिन भी सेट होने के लिए टाइम लगता है तो अच्छा हो जाएगा. किसी ने कहा कि आगे के बाल बढ़ जाएंगे फिर उसके बाद अच्छा हो जाएगा. बट मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है ये हेयर कट, और बहुत अलग वाली फीलिंग आ रही है इस हेयर कट की वजह से. और चलिए इस व्लॉग को जो है वो एंड करते हैं. आई होप आप सभी को मेरा जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो आप सभी को पता है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. स्टिल देन बाय.